देवीगंज चौराहे में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे शातिर को बाजार के लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। थाने ले जा रहे सिपाही की बाइक से शातिर ने उतरकर भागने का किया प्रयास। नमस्कार, यूपी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के देवीगंज चौराहे से एक शातिर ने सेना में कार्यरत एक जवान की पत्नी के गले से चैन छीनकर भागने का प्रयास किया। बहादुर महिला ने पूरी ताकत से चैन छीनकर भाग रहे लड़के का हाथ पकड़ लिया। अपने आप को फंसता देख लड़के ने उसके गले की चैन छोड़ दी और भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन चौराहे में इस दृश्य को देख रहे दुकानदारों ने दौड़ाकर उस शातिर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब उसे बाइक में बैठाकर थाने ले जाने लगी, तब भी कुछ दूर पर वह बाइक से कूदकर भागने लगा। पुनः बाजार के लोगों ने दौड़ाकर उसको पकड़ा और पीटते हुए थाने तक ले गए। आपको बता दें कि किरण पत्नी सुरेश चंद्र मौर्य लहना करारी कौशाम्बी की रहने वाली है। वह किसी काम से देवीगंज बाजार आई हुई थी। किरण जैसे ही स्कूटी पर अपने पति के साथ बैठकर चलने लगी, उस चोर ने झटके से उसके गले की चैन को खींचा और भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए शातिर चोर रामानंद गौतम पुत्र रामदास निवासी ओरैनी कड़ा कौशाम्बी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह भागने में असमर्थ हो गया। किसी तरह से उसने अपने हाथ को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन बाजार के लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए शातिर से पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। यूएफटी लाइव के लिए पवन साहू की रिपोर्ट।